Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 7. Now I am starting today's lecture. Question number 5. Find the time by applying the formula. इसमें अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना टाइम फॉर्मूला अप्लाई करके फर्स्ट पार्ट में गिवन है रुपीज 600 विल गिव रुपीज 90 सिंपल इंटरेस्ट. रुपीज 600 गिव करता है रुपीज 90 सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम. 5% पर एनम पर तो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है इंटरेस्ट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू रुपीज 90 के. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट वाली जो गिवन है रुपीज में वैल्यू वो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू है इज इक्वल टू रुपीज 600. रेट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू परसेंटेज में गिवन है 5%. तो स्टूडेंट्स अब हमने टाइम फाइंड करना है. टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. स्टूडेंट्स इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100. तो स्टूडेंट्स 100 मल्टीप्लाई हो गया इंटरेस्ट के साथ 100 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट. हमने टाइम फाइंड करना है टाइम राइट साइड पे ही रहा है. तो स्टूडेंट्स टाइम का फॉर्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट. अब स्टूडेंट्स हम वैल्यूज पुट कर देंगे. टी इज इक्वल टू 100 एज इट इज आ गया मल्टीप्लाई इंटरेस्ट की वैल्यू है 90 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल की वैल्यू 600 है और रेट हमारे पास 5 के इक्वल है गिवन है. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम 100 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन हम स्टूडेंट्स 600 को 5 से मल्टीप्लाई करके उसके उससे डिवाइड कर देंगे. आई विल शो दिस डिवीजन ऑन द कैलकुलेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स 100 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 9000 आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स लास्ट में हम इसको 35,000 से डिवाइड करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा. स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट गिवन है आई इज इक्वल टू रुपीज 90 स्टेटमेंट में. प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वो भी गिवन है फर्स्ट वाली जो रुपीज में वैल्यू है 600. रेट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 5%. स्टूडेंट्स अब हमने टाइम फाइंड करना है टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100. इससे हमारे पास टाइम का फॉर्मूला आ गया 100 मल्टीप्लाई हो गया इंटरेस्ट के साथ और प्रिंसिपल और रेट डिवाइड हो गया. तो स्टूडेंट्स टाइम इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट. ये फॉर्मूला होता है टाइम जब हमने फाइंड करना हो. टाइम इज इक्वल टी इज इक्वल टू 100 एज इट इज आ गया इंटरेस्ट की वैल्यू 90 के इक्वल है वो पुट कर दिया है डिवाइडेड बाय 600. स्टूडेंट्स प्रिंसिपल की वैल्यू है और रेट 5 के इक्वल है वो पुट कर दिया है. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल 100 को 90 से मल्टीप्लाई किया 9000 आ गया. 9000 को 3000 से डिवाइड किया है तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया टी इज इक्वल टू 3 years. नेक्स्ट है सेकंड पार्ट. रुपीज 1500 विल गिव रुपीज 450 सिंपल इंटरेस्ट. रुपीज 1500 गिव करता है रुपीज 450 सिंपल इंटरेस्ट एट 6% पर एनम. 6% के पर एनम पर तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट जो गिवन है आई इज इक्वल टू रुपीज 450. जो सेकंड रुपीज वाली वैल्यू वो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है. प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू फर्स्ट वाली जो रुपीज में वैल्यू गिवन है वो 1500 के. 1500 प्रिंसिपल अमाउंट है तो स्टूडेंट्स रेट हमारे पास इसका गिवन है 6%. रेट हमारे पास गिवन है इसका 6% के इक्वल. तो स्टूडेंट्स अब हमने टाइम फाइंड करना है टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100. इसी से हमारे पास टाइम का फॉर्मूला आ गया 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट. हमने टाइम फाइंड करना है तो टाइम का फॉर्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट. नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर दिए हैं. टी इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 450 इंटरेस्ट की वैल्यू थी डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल की वैल्यू 1500 है वो पुट कर दिया है मल्टीप्लाई रेट की वैल्यू 6 है वो पुट कर दिया है. तो स्टूडेंट्स 450 को 100 से मल्टीप्लाई किया है तो ये स्टूडेंट्स 45,000 आ गया. डिवाइड इसको कर दिया है 9000 से. स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल 100 को 450 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट्स 45,000 आ गया. इसको डिवाइड करेंगे 9000 से. ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया 5. 45,000 को 9000 से डिवाइड किया 9545 होता है 3030 से कैंसिल हो गई हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया 5 years. स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है रुपीज 450 के इक्वल है. प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू गिवन है रुपीज 1500 फर्स्ट वाली जो वैल्यू है रुपीज में. रेट गिवन है आर इज इक्वल टू 6%. स्टूडेंट्स अब हमने टाइम फाइंड करना है टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. स्टूडेंट्स इंटरेस्ट के फॉर्मूला से हमारे पास टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा. इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100. तो स्टूडेंट्स 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल और रेट डिवाइड हो जाएंगे जब हमने टाइम फाइंड करना है. तो टी इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट. ये फॉर्मूला है
टी इज इक्वल टू 100 एज इट इज आ गया मल्टीप्लाई इंटरेस्ट की वैल्यू 450 है वो पुट कर दिया डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल की वैल्यू 1500 है और रेट की वैल्यू 6 के इक्वल है ये पुट कर दिया। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल 100 को 450 से मल्टीप्लाई किया है तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया 45,000 45,000 को 9,000 से डिवाइड किया है तो स्टूडेंट्स टी इज इक्वल टू हमारे पास 5 ईयर्स की इक्वल आ गया। स्टूडेंट्स टुडे योर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7D हैव बीन कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7D देन यू विल कमेंट मी। इफ यू लाइक माई वर्क प्लीज लाइक माई वीडियो। मे अल्लाह ऑलमाइटी ब्लेस यू ऑल विद हिज स्वीटेस्ट ब्लेसिंग्स। अल्लाह हाफिज़।